देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जानकारी ही बचाव है। अगर बहुत सारी चीज़ों की हमें जानकारी हो जाए तो उससे न केवल हम स्वयं को बल्कि सभी को सुरक्षित रखेंगे। तो इसीलिए लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए, और ये भी कि दुर्घटना होने पर कितनी भयावह स्थिति होती है, कितने परिवार उजड़ जाते हैं, उसका जो बाद के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको भी लोगों को रियलाइज़ कराने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें दुर्घटना से होती हैं और भारत तो इसमें सबसे आगे है। इतनी जनसंख्या है हमारे यहाँ, गाड़ियों की दृष्टि से भारत 6वें नंबर पर है लेकिन दुर्घटना में पहले नंबर पर है। और सबसे ज़्यादा जो दुर्घटना में लोग हमारे यहाँ मरते हैं वो 18 से 45 साल के होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हमारा कितना बड़ा मानव संसाधन जो देश की प्रगति में योगदान देता, वो बिना जो असमय ही उसकी डेथ हो जा रही है बिना जानकारी के। तो इसका पर्पज यही है कि सबको जानकारी दी जाए, वो स्वयं को सुरक्षित रखें, चलने वालों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और देश की प्रगति में योगदान दें। जागरूकता के लिए देखिए, अभी एक रैली निकाली गई है, स्कूलों में जा करके वाहन चालकों को, ट्रक चालकों को, रिक्शा चालकों को, बच्चों को, गार्जियंस को, पूरे महीने ये तरह तरह के प्रोग्राम चला करके यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। सबको ये बताया जाएगा कि सड़क पर चलें तो किन नियमों का पालन करें, गाड़ी चलाएं तो किन नियमों का पालन करें, दोपहिया चलाते हैं तब क्या ध्यान देना है, चार पहिया चलाएं तो क्या ध्यान देना है। यानी कोई एस्पेक्ट छूटा नहीं है जिससे कि लोगों को जानकारी को अवगत न कराया जाए। देखिए, पहला प्रयास तो यही है कि लोग ऐसा ना करें और पहले एक हफ्ता तक उनको जागरूक किया जाएगा, सब चीज़ें बताई जाएंगी। इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तब फिर उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी, उनकी गाड़ियों का चालान किया जाएगा। थैंक यू सर। आज पुलिस और परिवहन विभाग के सहयोग से यातायात माह का प्रारंभ हुआ है और उसी के क्रम में आज यातायात रैली का शुभारंभ अभी हमने और एसपी साहब ने किया है। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा हो, लोग बिना सीट बेल्ट के बाहर न निकलें, दोपहिया वाहन बिना हेलमेट के न चलाएँ और यातायात नियमों का पालन करें। यातायात नियमों का पालन करने से न केवल वो अपने को सुरक्षित रख सकेंगे बल्कि पूरे परिवार को और पूरे समाज को सुरक्षित रख सकेंगे। तो यातायात माह मनाए जाने का यही मुख्य उद्देश्य है।